यूपी विधानसभा चुनाव में अब बमुश्किल 5 महीने का वक्त बचा है और ऐसे में सभी सियासी पार्टियों ने अपना दम दिखाना शुरू कर दिया है। लेकिन किसकी कैसी तैयारी है और कौन किस पर है भारी, ये जानने के लिए आप देखते रहिए एबीपी गंगा पर विजय तिलक, क्योंकि यूपी उत्तराखंड में चुनाव मतलब एबीपी गंगा। विजय तिलक, प्रियंका गांधी के लखनऊ दौरे का आज दूसरा दिन है। प्रदेश कार्यालय में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगी प्रियंका। सुबह 10 बजे से शुरू होगा बैठकों का सिलसिला। मिशन 2022 को लेकर कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगी प्रियंका गांधी। लखनऊ पहुंची हुई है और आज प्रदेश कार्यालय में पार्टी वर्कर्स के साथ उनकी बैठक है। सुबह 10 बजे से ही बैठकों का सिलसिला शुरू हो जाएगा जो कि दिन भर चलेगा। मिशन 2022 को लेकर मंथन होगा और कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगी प्रियंका गांधी। तो प्रियंका गांधी के लखनऊ दौरे का आज दूसरा दिन है। प्रदेश कार्यालय में कार्यकर्ताओं के साथ आज कई बैठकें करने वाली हैं प्रियंका गांधी। सीधे आपको लिए चलते हैं लखनऊ। हमारे सहयोगी अनुभव शुक्ला हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अनुभव, आज किस तरह की बैठकें प्रियंका गांधी करने जा रही हैं और दिन भर कहा जा रहा है कि बैठकों का यह सिलसिला चलेगा लखनऊ में? बिल्कुल, अब तो इलेक्शन में बहुत कम दिन बचे हैं। आप देखिए तो तकरीबन 100 दिन ही हैं और उसके बाद आचार संहिता उत्तर प्रदेश में लग जाएगी। ऐसे में सियासी दलों की तैयारी यही है कि कैसे इसी वक्त में, इसी 100 दिनों में हम जनता के बीच पहुंचे, ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचे। और इसीलिए अब प्रियंका गांधी वाड्रा लखनऊ के दौरे पर आई हैं। उनको 10 और 11 आज और कल बैठकें करनी थी और ये पहले तय था कि वो देर शाम को आएंगी गुरुवार को, लेकिन अचानक वो दोपहर के वक्त आ जाती हैं। पार्टी के तमाम बड़े नेताओं को पता नहीं चलता, एयरपोर्ट पहुंचती हैं, फिर लखनऊ पहुंचती हैं, कॉल हाउस में रुकती हैं वो, तो कहीं ना कहीं आखिर वो अचानक आती हैं, लोगों को जानकारी नहीं होती, उस तरह से हुजूम एयरपोर्ट पर नहीं उमड़ता। इसके पीछे कांग्रेस की क्या रणनीति है ये तो रणनीतिकार ही जाने, लेकिन आज से जो बैठकें शुरू हो रही हैं कई इंपॉर्टेंट बैठकें, और सबका मकसद यही है कि कैसे रोड मैप तैयार हो 2022 का, कैसे कांग्रेस जो उत्तर प्रदेश की सत्ता से हम कहें तकरीबन 32 वर्षों से गायब है वो कैसे वापस आ सके, कैसे उसकी सीटें बढ़े, कैसे वोट परसेंटेज बढ़े, इन्हीं सारी चीज़ों पर रणनीति तय होगी। क्योंकि एक सलाहकार कमेटी बनाई है कांग्रेस ने, उनके साथ बैठक होनी है। दूसरा जो इलेक्शन कमेटी उनकी है उनके साथ बैठक होनी है, क्योंकि ऐसे देखिए 90 लोग हैं जिनको पार्टी ने कह दिया है फ़ोन पर, खुद राहुल गांधी ने, प्रियंका गांधी वाड्रा ने, कि आपको चुनाव लड़ना, आप तैयार रहिए। इनमें कौन लोग हैं जो इन चुनाव में 2017 में जो चुनाव हुए जो दूसरे नंबर पर रहे, जो जीतते चले आ रहे हैं, जैसे आप देखिए 5 ऐसे विधायक हैं जो जीते हैं, तो वो लड़ेंगे, जो दूसरे नंबर पर रहे हैं वो लड़ेंगे, जो तीसरे नंबर पर रहे हैं वो लड़ेंगे, और कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्हें पार्टी को लग रहा है कि इनके अंदर पोटेंशियल है और ये जीत सकते हैं, तो उस पर भी मंथन होगा। यानी कैंडिडेट का जो सिलेक्शन है, जो नाम है, उस पर भी चर्चा होगी। और लगातार अभी हमने देखा कांग्रेस ने जिस तरीके से अपना वर्चुअली माध्यम से प्रशिक्षण का कार्यक्रम चलाया, उस पर भी उसकी समीक्षा बैठक होगी। उसे इन्होंने नाम दिया था प्रशिक्षण से पराक्रम, यानी कैसे हम ट्रेनिंग देके अपने जो वर्कर हैं, जो कार्यकर्ता है, उनको इस तरह से बनाएं कि वो चुनाव में पार्टी के लिए बेहतर ढंग से ना केवल प्रमोट कर सके, ना केवल प्रचार कर सके, बल्कि दूसरी सियासी पार्टियों ने क्या कुछ नहीं किया उसके बारे में भी लोगों को बता सके, तो उसकी भी आज समीक्षा बैठक होनी है। पहली बार बूथ स्तर तक कांग्रेस ने, हम कहें तो न्याय पंचायतों तक अपने जो अध्यक्ष हैं वो बनाए हैं, तो उनकी भी समीक्षा बैठकें होनी है। बहुत सारी आज बैठकें आज होंगी, कुछ कल होंगी, और मकसद यही है कि कैसे कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से वो, हम कहें तो उस तरह से सीटें दिलाई जाए, सम्मानजनक सीटें दिलाई जाए जो कभी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को मिलती थी, कांग्रेस का कभी गढ़ था उत्तर प्रदेश। जी बिल्कुल, और आज इसी को लेकर दिन भर मंथन चलने वाला है कांग्रेस ऑफिस में। प्रियंका गांधी जो है वो कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगी। बहुत शुक्रिया अनुभव, आप नजर बनाए रखें, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे।